नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। औराद के एकम्बा ग्राम पंचायत में अनुदान के दुरुपयोग का आरोप पापुराव कोठा ने लगाया। बीदर शहर के अनुदानित उर्दू स्कूल में साइंस डे मनाया गया। कर्नाटक राज्यसभा चुनाव के नतीजे सिद्धांतों और नैतिकता की जीत, कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा। कर्नाटक कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का यह आरोप कि उसके कैडर ने पाक जिंदाबाद के नारे लगाए, जो गलत है। कर्नाटक राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए बीजेपी विधायक सोमशेखर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रही है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। एकम्बा ग्राम पंचायत के अनुदान का दुरुपयोग करने का आरोप ह्यूमन राइट्स फोरम फॉर दलित लिबरेशन बीदर जिला इकाई के अध्यक्ष बाबूराव कोठा ने लगाया। उन्होंने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि एकम्बा ग्राम पंचायत में अनुदान का दुरुपयोग किया जा रहा है, बिना काम किए बिल पास किया जा रहा है। ऐसे विभिन्न आरोप लगाए। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। औराद तालुकिन एकम्बा ग्राम पंचायत व्याप्तियल बरुव भीमराव नायक तांडदल्लि ಸುಮಾರು 2018ರಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನ್ ವೆಲ್ ಕೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 62 ಹೊಲದ ಮಾಲಕ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನ. ಆದರೆ ಅದು ಬಾವಿ ತೋಳ್ಯಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 4ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ ಹೊಲದ ಮಾಲಕ ನೀರು ಕೊಟ್ಟನ. ಆ ನಂತರ ಈಗ ನಾನು 62ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿನಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಭೀಮರಾವ್ ನಾಯಕ್ ತಾಂಡ ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ತಾಲೂಕಿನ ನೀರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆವು. ಇವರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾರಿಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸುಮಾರು 15 ದಿವಸ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೂ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ಈ ಸದ್ಯ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಲ್ಲ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ, ತಾಂಡದ ಜನರಿಗೆ. ಭೀಮರಾವ್ ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಕೇಳಿದೆವು. ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳದಾಗ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದದ. ಆದರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 62ರ ಬಾವಿ ಹೊಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 30 ಲಕ್ಷ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಜೈ AWE ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಕೂಡಲೇ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. बीदर शहर के सरकारी अनुदानित सैयद उमर हाशमी उर्दू स्कूल में आज साइंस डे मनाया गया, जिसमें आज स्कूल के विद्यार्थियों ने साइंस के मॉडल्स बनाकर प्रदर्शन के लिए रखा। इस मौके पर उमर हाशमी शिक्षण संस्थान के कार्यदर्शी सैयद यूसुफ हाशमी ने विद्यार्थियों के मॉडल्स की सराहना की। स्कूल के साइंस की शिक्षिका आयशा खान ने विद्यार्थियों को साइंस के बारे में जानकारी देते हुए विद्यार्थियों की प्रोत्साहना की। इस कार्य के लिए शिक्षिका आयशा खानम को नोडल अधिकारी सचिदानंद ने सम्मानित किया। इस मौके पर स्कूल के HM अर्शिया, शिक्षक मिसाबुद्दीन, मोहम्मद सलाउद्दीन सहित अन्य उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर MEd एंड BEd कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर MEd एंड BEd कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर MEd एंड BEd कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर।
फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मंगलवार को कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव में पार्टी की जीत को सिद्धांतों, आदर्शों, लोकतंत्र और नैतिकता की जीत बताया। कर्नाटक में मंगलवार को राज्यसभा चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 3 सीटें जीती और भाजपा ने 1 सीट जीती। उच्च सदन में पहुंचने वालों में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मकाना, जीसी चंद्रशेखर और सैयद नसीर हुसैन, सभी कांग्रेस और नारायणसा के भानगे भाजपा शामिल है। यह सिद्धांतों, आदर्शों, लोकतंत्र और नैतिकता की जीत है। यह भाजपा और जनता दल सेकुलर के अवसरवादी, अपवित्र और अलोकतांत्रिक गठबंधन की अस्वीकृति है, जो ईडी, आयकर और सीबीआई के बाहुबल और धनबल पर आधारित है। सुरजेवाला ने चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद यहां संवाददाताओं से कहा। उन्होंने 5वें उम्मीदवार डी उपेंद्र रेड्डी को मैदान में उतारने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी पर कटाक्ष किया। राज्यसभा सांसद नसीर हुसैन ने भारतीय जनता पार्टी के उन आरोपों से साफ इनकार किया है कि 27 फरवरी को कर्नाटक राज्यसभा चुनाव के बाद उनके समर्थकों ने विधानसभा भवन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। राजीव चंद्रशेखर, शोभा करलांजे समेत कई बीजेपी नेता और आर अशोक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें हुसैन के समर्थकों नारे लगाते देखा जा सकता है। इस बीच अल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने धीमी गति में वीडियो डाला और नारा लगाने वाले व्यक्ति को घेरा और कहा कि वह नसीर साहब जिंदाबाद कह रहा था, न कि पाकिस्तान जिंदाबाद। इस बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी और अगर आरोप सही हुआ तो व्यक्ति को सजा दी जाएगी। नसीर हुसैन ने बीजेपी के आरोपों की जांच की मांग की है। नसीर हुसैन ने कहा, जांच होने दीजिए, आज के समय में तकनीकी काफी उन्नत है, यह एक साजिश हो सकती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुछ कन्नड़ चैनलों ने भी वीडियो प्रसारित किया। इस बीच कर्नाटक बीजेपी ने भी नसीर हुसैन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। भाजपा विधायक एस टी सोमशेखर द्वारा मंगलवार को हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए क्रॉस वोटिंग करने के बाद विपक्षी दल अब पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की संभावना तलाश रहा है। विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि उन्हें अनुमान था कि सोमशेखर चुनाव में क्रॉस वोटिंग करेंगे। उन्होंने जो कुछ भी किया है वह राजनीतिक आत्महत्या है। हमने व्हिप जारी किया था, व्हिप के बारे में विधायकों के फोन और यहां तक कि उनके निजी सहायकों को भी संदेश भेजे गए। हम मंगलवार सुबह तक उनके संपर्क में थे। सोमशेखर ने केवल हमारी पार्टी को धोखा दिया है बल्कि उन लोगों को भी धोखा दिया है जिन्होंने उन्हें वोट दिया था। भाजपा के कानूनी प्रकोष्ठ के प्रमुख विवेक रेड्डी ने कहा कि सोमशेखर का कदम दल बदल विरोधी कानून के दायरे में आता है और वह अपनी विधानसभा सदस्यता खो सकते हैं। पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष से संपर्क करने और विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने का फैसला किया है। रेड्डी ने कहा, अगर स्पीकर देरी करते हैं तो हम हाईकोर्ट और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482127। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद 24 घंटे, हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं समाचार। विधानसभा में हुक्का प्रतिबंध विधेयक पारित होने के कुछ दिनों बाद बेंगलुरु पुलिस ने शहर भर में हुक्का पार्लरों पर कार्रवाई शुरू की। केंद्रीय अपराध शाखा के अधिकारियों ने शहर भर में कई छापे मारे और मालिकों पर मामला दर्ज किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीसीबी पुलिस ने प्रतिबंध के बाद भी चल रहे शहर के 20 हुक्का बार की पहचान की है। पुलिस ने 12 लाख रूपये से अधिक मूल्य के हुक्का पॉट और फ्लेवर भी जब्त किए और उन लोगों को चेतावनी दी जो प्रतिबंध के बाद भी इसका सेवन कर रहे थे। पुलिस ऐसे अवैध कार्यों पर सख्ती से नजर रखेगी और उपभोक्ताओं पर कार्रवाई भी करेगी। पिछले हफ्ते कर्नाटक विधानसभा ने राज्य भर में हुक्का की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया। राज्य में 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सिगरेट की बिक्री भी प्रतिबंधित है। कर्नाटक सरकार ने सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादन अधिनियम COTPA में संशोधन किया है और कहा है कि यह संशोधन नागरिकों के स्वास्थ्य को फेफड़ों से संबंधित बीमारियों से बचाता है। दोषी पाए जाने पर हुक्का पार्लरों के मालिकों के खिलाफ 1 लाख रूपये का जुर्माना और 3 साल की कैद होगी। कर्नाटक सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। जैसे ही जयप्रकाश हेगड़े के नेतृत्व वाले कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, सभी की निगाह सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर है, जिसे आमतौर पर जातीय जनगणना रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। कर्नाटक सरकार ने 31 मार्च को आयोग का कार्यकाल एक अतिरिक्त महीने के लिए बढ़ा दिया था, जिससे अटकलें तेज हो गई। हालांकि आश्वासन के बावजूद रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी हुई, जिससे आयोग को 29 फरवरी की समय सीमा नजदीक आते ही उसी दुविधा में डाल दिया गया। अध्यक्ष जयप्रकाश हेगड़े ने रिपोर्ट सौंपने के लिए आयोग की तत्परता व्यक्त करते हुए कहा, हमने सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण पर अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से समय मांगा है। मंगलवार को राज्यसभा का चुनाव था, इसलिए हमें समय नहीं मिला। हमें उम्मीद है कि बुधवार शाम को उनकी नियुक्ति मिल जाएगी। हम भी रिपोर्ट सौंपने के लिए उत्सुक हैं। राज्यसभा चुनाव में सबसे बड़ी हार भूपेंद्र रेड्डी की नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी की हुई है। जब उन्होंने विरोध किया और चुनाव के बाद मीडिया को संबोधित किया तो उनकी हार और गुस्सा स्पष्ट था, जिसमें रेड्डी केवल 36 वोट पाने में सफल रहे। वन मंत्री ईश्वर खंडे, जो केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा, जेडीएस राज्यसभा चुनाव में जीत दिलाने के लिए भाजपा पर निर्भर थी। यह स्पष्ट है कि भाजपा ने जेडीएस को धोखा दिया और अपने अतिरिक्त वोटों से जेडीएस उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया। कुमारस्वामी को भाजपा के साथ गठबंधन करने की कीमत का एहसास हो गया होगा। इससे पता चलता है कि गठबंधन ठीक नहीं पाएगा और लोकसभा चुनाव से पहले टूट सकता है। एक विश्लेषक ने कहा, जब जेडीएस ने भूपेंद्र रेड्डी को मात्र 19 वोटों के साथ मैदान में उतारा तो वह कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों के क्रॉस वोट से जीत की उम्मीद कर रही थी, जिन्होंने कांग्रेस के लिए अपना समर्थन जताया था। चूंकि ऐसा नहीं हुआ और हार गए। एसएसएलसी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने के बाद मंगलवार रात यहां
हिरियांगी में चेलरा पुल के पास नंदिनी नदी में चार छात्र डूब गए। मृतकों की पहचान यशविधि राघवेंद्र निरूपा और अनवित के रूप में की गई। सभी 15 साल के थे। वे सूरतकल के एक निजी स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्र थे। ऐसा संदेह है कि स्कूल में अंग्रेजी की प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद नदी में तैरने जाते समय छात्रों की जान चली गई। डूबे हुए छात्रों के माता पिता ने सूरतकल पुलिस में गुमशुदगी का शिकायत दर्ज कराई। जब उनके बच्चे परीक्षा के बाद वापस नहीं आए, इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में उनकी गतिविधियों का पता लगाया। उनके मोबाइल लोकेशन से पुलिस चेलरा रेलवे पुल के पास स्थित नंदिनी नदी तक पहुंची, जहां उन्हें छात्रों के बैग, कपड़े और अन्य सामान मिले। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से जलाशय में उनकी तलाश की और चार शव बरामद कर लिए। शवों को पोस्टमार्टम के लिए वेनलॉक अस्पताल भेज दिया गया। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। औराद के एकम्बा ग्राम पंचायत में अनुदान के दुरुपयोग का आरोप पापुराव कोठा ने लगाया। बीदर शहर के अनुदानित उर्दू स्कूल में साइंस डे मनाया गया। कर्नाटक राज्यसभा चुनाव के नतीजे सिद्धांतों और नैतिकता की जीत, कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा। कर्नाटक कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का यह आरोप कि उसके कैडर ने पाक जिंदाबाद के नारे लगाए, जो गलत है। कर्नाटक राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए बीजेपी विधायक सोमशेखर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रही है। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।